मदरबोर्ड की ऐसी तैसी हो गई इसकी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट मैं खाना ना खा के बैठा था दिन में, तो मुझे एक कॉल आया। मैंने एक्चुअली अपना लैपटॉप सही कराने के लिए दिया हुआ था, तो वही दुकान से मुझे फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारा जो लैपटॉप है वो यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपको वो स्टोर पर ही देना पड़ेगा ऐसा करके। तो देखते हैं, अभी लैपटॉप लेता हूँ मैं और थोड़ा काम भी है बाहर का, तो वो काम भी निपटा लेते हैं और लैपटॉप भी वापस लेके आ जाते हैं। तो भाई लोग, अभी लैपटॉप उठा लिया है मैंने दुकान से, सही कराने के लिए दिया था, लेकिन लैपटॉप इतना महान निकला हमारा कि सही नहीं हुआ। मदरबोर्ड की ऐसी तैसी हो गई इसकी हैवी सॉफ्टवेयर्स की वजह से, बेचारा झेल नहीं पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम ओनर के यहाँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और यहाँ पर बारिश वगैरह काफ़ी हो रही थी मुंबई में, तो इसकी वजह से मैं रेंट वगैरह नहीं दे पाया था उन्हें। अभी फ़िलहाल पहले उनको रेंट दे देते हैं और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। चलिए, तो आंटी लोगों के यहाँ से अभी मैं होके आ गया, रूम ओनर लोगों के यहाँ से रूम रेंट पे कर दिया है मैंने। अभी यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं सलून में, बाल होने को छोटे ही हैं मेरे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं बिना सेट किए हुए, तो थोड़ा सेटिंग करते हैं बालों की और उसके बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। चलिए, अभी मैं सलून से निकल चुका हूँ अपने बाल आल कटवा करके शेप में ला करके उन्हें अच्छे से, और इसके बाद से क्या बना रहे हो? बस ब्लॉगिंग चल रही है। हाँ, बाकी भाई मिल गए अपने। तो अभी जब मैं आ रहा था, भाई मुझे मिले और उनसे बातचीत करके पता चला कि वो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन टीम में, मतलब एज एन डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर काफ़ी शोर गुल है, मैं आगे जाके आप लोगों से बात करता हूँ। मैं आगे आ गया हूँ और कुछ भी बोलो, मुंबई की या महाराष्ट्र की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो ये है कि त्यौहार भले ही कोई सा भी क्यों ना हो, मनाया बड़ी धूमधाम से जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ उसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ देख के बड़ा ही अच्छा लगता है कि यार आज भी, मतलब कुछ लोग जो भूले जा रहे हैं हमारी संस्कृति को और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक एक फेस्टिवल को बड़े ही, मतलब मज़े से उसको सेलिब्रेट करते हैं। और आई थिंक हर किसी को ऐसा करना चाहिए, हर स्टेट में ऐसा करना चाहिए। तो
मिलते हैं अभी आगे, डायरेक्टली घर जाते हैं क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ मैं दिन भर। तो चलिए गाइस, फिलहाल मैं घर पहुँच चुका हूँ और काफ़ी थक गया हूँ मैं, और कपड़े भी चेंज कर लिए मैंने। तो कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।